किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की सौगात लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य, ऐसा चरित्र। कानों से सुनो जरा, छुप छुप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। प्रणाम महाराज। तुम कौन हो, क्या चाहते हो? महाराज मैं एक गायक हूँ, राग चर्चा करता हूँ। बहुत दिनों से इच्छा थी आपको गाना सुना। ठीक है तो फिर सुनाओ। जो आ गया महाराज। तुम्हारा संगीत सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया, और क्या कहूँ। और इस खुशी में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। महामंत्री, इनको क्या उपहार दिया जाए, बोलिए तो। महाराज, धन दौलत देने से कलाकारों को कला का सम्मान नहीं मिलता है, जैसा कि मैं जानता हूँ। मेरे हिसाब से इनको एक हाथी उपहार देना चाहिए। हाथी? हाँ, ये क्या जी, महाराज दिए और अभी इसे घर उठा ले आए। खुद का खाने का ठीक नहीं है हम लोगों का, तो फिर इसे क्या खिलाइएगा आप बताइए। हाँ महाराज का दिया हुआ उपहार मैं वापस कैसे करूँ? वापस नहीं कीजिएगा तो और क्या कीजिएगा। इस हाथी का पेट भरने के लिए क्या घर का सामान बेचिएगा? तो फिर बेचिए और खिलाइए इस हाथी को। क्या हुआ गायक भैया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या बताऊं भाई, आज सुबह मेरे हिसाब से इनको एक हाथी उपहार देना चाहिए। अब तुम्हें बताओ गोपाल भाई, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं हाथी का पेट कैसे पालूंगा? इधर राजा का दिया हुआ उपहार वापस कैसे करूं? आप ही कुछ उपाय ढूंढिए गोपाल भैया, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ तो सुनो मेरी बात। तो अब मैं चलता हूँ, ठीक समय पर राज दरबार में मिलेंगे। बस काम खत्म, अब इसे भगा देता हूँ। हुर 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 हुर। ए जा जा भाग, है हुर, हट हट, जा जा। बचाओ बचाओ, अरे बाप रे बाप, बचाओ बचाओ बचाओ। ये क्या, हाथी बाजार में उथल पुथल मचा दिया है, ये कैसे हो सकता है? महाराज गले में जब घंटी बंधी है, इसका मतलब वो हाथी पालतू है। बहरी, हाथी को पकड़ कर लाओ और मेरे हाथी शाले में रखो। जाओ और हाथी के मालिक को बांध कर मेरे दरबार में लाया जाए। जाओ। जो आ गया महाराज। महाराज, ये रहा हाथी का मालिक,
गायक आप? जी हाँ महाराज, हाथी आपका ही है, मुझे उपहार दिए थे। लेकिन इसका पालन पोषण न करके ऐसे ही छोड़ दिए हो? क्या करता महाराज, खुद का तो दो वक्त का भोजन नहीं जुटता है, ऊपर से इतना बड़ा हाथी। इसलिए उसे संगीत सिखा कर गले में घंटी बांध कर छोड़ दिया था। सोचा था लोगों को संगीत सुना कर अपना पेट पाल लेगा, किंतु इसका परिणाम हुआ पूरा उल्टा और हाथी के तहस नहस से पूरा बाजार बंद हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि इस गायक को इस राज दरबार में कोई पद दे दिया जाए, इससे इनको काम भी मिल जाएगा और दो वक्त का भोजन भी मिल जाएगा और इस गायक को अपने संगीत में मन लगा रहेगा। तुम ठीक बोल रहे हो गोपाल, ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। सही में गोपाल, तुम इस गरीब गायक को कहां से कहां पहुंचा दिए, मैं तो सोच भी नहीं सकता। धन्य हो गोपाल, धन्य हो, धन्य हो।